का टॉपिक है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव मतलब किसी भी एकांक बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। तो जैसा कि एक बिंदु आवेश O स्थित है, दिखाई दे रहा है, O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। अब हम किसी एकांक बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल उस बिंदु की दूरी जो है वो O से स्मॉल x दूरी पर है। तो स्मॉल x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता का सूत्र हम निकाल चुके हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपन एक्स का स्क्वायर। फिलहाल दूरी x दूरी है, तो अतः dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कार्य का सूत्र हो जाएगा dw इज इक्वल टू E इंटू dx। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो यहाँ तीव्रता है तो तीव्रता गुणित विस्थापन E इंटू dx। अतः अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य w, तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम इन्फिनिटी टू r डी डब्ल्यू, तो इन्फिनिटी टू r सामने माइनस चिन्ह हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो उस स्थिति में माइनस सामने रहेगा, माइनस 1/4πε0 क्यू ये बाहर आ जाएगा, तो उस स्थिति में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² डी एक्स इन्फिनिटी टू आर माइनस क्यू अपन 4πε0 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x इन्फिनिटी टू आर, तो माइनस क्यू अपन 4πε0 सबसे पहले x के जगह r की वैल्यू पुट अप करेंगे तो माइनस 1/r और माइनस माइनस प्लस 1/∞। तो किसी भी संख्या के बटे अगर इन्फिनिटी हो तो वो संख्या शून्य हो जाती है। इस स्थिति में हम देखें तो माइनस माइनस प्लस क्यू अपन 4πε0 इंटू आर। तो अगर हम देखें तो परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी भी एकांक बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विभव कहते हैं, मतलब जो कार्य होता है वही विभव है। तो V इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर सामने आएगा, V इज इक्वल टू क्यू अपन 4πε0 आर, या इसी को लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपन आर। तो ये सूत्र हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का।